राधे राधे सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज घर में कुछ गेस्ट आए थे तो मैंने उनके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और बहुत ही फटाफट से बन के तैयार हो गया। तो आप भी रेसिपी देख लीजिए। इतना फटाफट खाना मैंने इस तरीके से बनाया, देखिए मैंने चारों गैस चालू कर ली है और यहाँ पे एक साइड पे चावल बन रहे हैं। साफ पानी के अंदर साफ से चावल धोकर डाल दिए और ये चावल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएंगे। और इधर देखिए कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और यहाँ पे मटर है वो उबलने के लिए छोड़ दिए हैं। तो सब्जी मटर की फटाफट बनेगी। एक साइड मैंने दाल चढ़ा दी है। जैसे ही तेल गर्म हुआ इसके अंदर जीरा और हींग ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैंने टमाटर है उनको या तो बारीक बारीक चॉप कर लीजिए या फिर उनको पीस लीजिए। मैंने टमाटर और हरी मिर्ची को बारीक बारीक पीस लिया है। इस तरीके से हरी मिर्ची को दरदरा पीस के ऑयल के अंदर डाल दिया और इसको बढ़िया से जब ये पक गई तो यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीजों को बढ़िया से पका लेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर है वो सारा ऑयल है वो रिलीज ना कर दे। बढ़िया से जब टमाटर पक जाएंगे इसके लिए हमें गैस की फ्लेम को फुल करके हम इसके ऊपर कोई ढक्कन लगा देंगे। ये वाली जो आज मैं रेसिपी बता रही हूँ इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया है, सिर्फ टमाटर और दही के अंदर कुछ मसाले मिलाकर ही स्वादिष्ट सब्जी बना दी। दही के अंदर मैंने यहाँ पे हल्दी, स्वादानुसार नमक, यानी कि मैंने आधा किलो मटर लिया है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 2 छोटी चम्मच नमक ली है और 2 चम्मच यहाँ पे लाल मिर्ची ली है। 2 ही चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है। मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इन सभी मसालों को दही के अंदर बढ़िया से मिक्स करेंगे। और अब देखिए यहाँ पे हम टमाटर को चेक कर लेते हैं। टमाटर बढ़िया से पक चुके हैं, ऑयल सारा रिलीज कर चुके हैं। इसी पॉइंट पे हम यहाँ पे हमने जो मसाला बनाया दही के अंदर घोल के वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। दही में मसाले फुलो के रख देने से एक तो मसाले बढ़िया से फूल जाते हैं और इनका कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी के अंदर। ये जो मिर्ची है और हल्दी धनिया है इनका कलर आके एकदम परफेक्ट सब्जी बनेगी। तो जब भी आपको इस तरीके से फटाफट से सब्जी बनानी हो, गेस्ट आने वाले हो, आपके पास टाइम नहीं हो, तो आप इस तरीके की रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। दही या पानी में इस तरीके से मसाले फुलो के रख दीजिए। जब तक टमाटर और हरी मिर्ची पकेंगे मसाले बढ़िया से फूल भी जाएंगे और हमारा काम है वो फटाफट से यानी कि और भी जल्दी हो जाएगा। 2 मिनट के लिए हम इनको ढक देंगे। ढकने से इनका जो कलर है वो बहुत ही परफेक्ट आता है। देखिए 2 ही मिनट के बाद मैं यहाँ पे खोल के दिखाती हूँ आपको। सारा ऑयल है वो मसालों ने रिलीज कर दिया है और दही है वो पक चुका है। वो सारे मसाले देखिए फूलने के कारण कितना दरदरा और कितना बढ़िया इनमें टेक्सचर आया है। इस तरीके का मसाला हो जाने पर सब्जी है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। 2 मिनट के लिए चलाएंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके हम इनको ढक देंगे। 2 मिनट के लिए हम इनको और पकाएंगे। इसी तरीके की मटर पनीर की रेसिपीज, लहसुन प्याज वाली, ग्रेवी वाली, अलग अलग टाइप की मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से फटाफट से बनने वाली रेसिपी और बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, पहली बार में आप देख कर परफेक्ट बना पाएंगे। इस तरीके से मैंने सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। गैस की फ्लेम को लो करके हम इसको पकने देंगे। तब तक देखिए यहाँ पे मैंने दाल का मसाला बना लिया है। दाल फ्राई जो कर रही हूँ उसके लिए मैंने यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, इन सभी चीजों को बढ़िया से काट के ऑयल के अंदर इनको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए 2 ही मिनट के बाद आपको खोल के दिखाती हूँ, सारा जितना भी ऑयल हमने डाला था वो सारा सब्जी के ऊपर आ गया है। यानी कि अब ये बिल्कुल परफेक्ट है और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी साइड में मैंने मटर है वो बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। मटर को बॉईल करते समय उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि सब्जी है वो फीकी फीकी ना बने। इस तरीके से साइड में मटर बॉईल करने से हमारी सब्जी है वो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आप इसमें बिना बॉईल किए हुए मटर भी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं लेकिन उसको पकाने में फिर ज्यादा टाइम लगता है। आज मैं आपको ये फटाफट से मिनटों में बनने वाली सब्जी बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से मटर को एक साइड में बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद एक बार के लिए इन सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पे लो कर देना है। लो फ्लेम के ऊपर मटर पक रहे हैं। तब तक देखिए दाल फ्राई का मसाला भी पक चुका है। यहाँ पे हरी मूंग की दाल को मैंने बढ़िया से बॉईल करके उसको अच्छे से घोटनी से घोट लिया है। दाल फ्राई देखिए हमारी कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। ये ना ज्यादा गाढ़ी है और ना ही ज्यादा पतली है,
अगर आपको यहाँ पे दाल थोड़ी सी गाढ़ी लगी तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके दो बॉईल और दिला दीजिए, फिर दाल आपकी परफेक्ट बनेगी। अब इसको हम ढक के एक साइड में रख देंगे और यहाँ पे देखिए सब्जी चेक करेंगे। यहाँ पे सब्जी को मैंने 5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर ढक के पकाया है और इतनी ही देर में इसके ऊपर कितना बढ़िया कलर आ गया है, वो सब्जी की ग्रेवी कितनी बढ़िया बन चुकी है। अगर आपको यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो आप यहाँ पे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ग्रेवी परफेक्ट लग रही है तो यहाँ पे मैं पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ। परफेक्ट पनीर कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ पे डाली हुई है। आज थोड़ी सी जल्दी थी, अचानक से गेस्ट आए थे तो आज तो मैंने पनीर मार्केट से ही मंगा लिया था। आप घर पर भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया पनीर बना सकते हैं। इसकी रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर आकर एक बार जरूर देखिए। मेरे चैनल पर विजिट करने से आपको बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपीज देखने को मिलेंगी और बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान रेसिपीज जो आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और पहली बार में आप परफेक्ट बना के तैयार कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। 2 मिनट के लिए और ढक के पकाया है, पनीर ने भी बढ़िया से मसाला पी लिया है और अब देखिए इसका कलर और टेक्सचर कितना परफेक्ट आया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है और अब इसमें फाइनल टच देने के लिए बारीक चॉप किया हुआ मैंने यहाँ पे हरा धनिया ऐड किया है और अब आप देख पा रहे हैं ये सब्जी कितनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है और कितनी फटाफट बन के तैयार हुई है। आप भी इसी तरीके से फटाफट से इसी तरीके की बहुत ही बढ़िया सब्जी बना के अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं, तो इस वाली रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। और अगर आज वाली ये रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को इसी तरीके की नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। और देखिए यहाँ पे मैंने सारा खाना आधे ही घंटे में बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने व्हाइट चावल बनाए हैं, मटर पनीर की सब्जी बनाई है। ये सब्जी और ये रेसिपीज आपको कैसी लगी हैं? यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मूंग की दाल फ्राई बनाई है और मैंने दही का यहाँ पे रायता बनाया है। ये सारा ही खाना आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको आज वाली ये रेसिपीज पसंद आई हैं तो मेरे वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया वीडियो डालती रहूं। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपके लाइक्स और कमेंट्स देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं, तो फटाफट से लाइक और कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये देखिए फटाफट से बनने वाली मेहमानों को पसंद आने वाली थाली बनके तैयार है। आप भी इसी तरीके की थाली फटाफट से मिनटों में बना सकते हैं, तो जाइए भी ट्राई करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।